Sir, I stand here to support this bill today, sir. In a nutshell, the objects and the reasons of this bill, it says the Article 342 of the Scheduled Tribes, where the President may respect any state or union territory where the state, after consultations with the governor, would specify that the tribes and tribal communities as a part of groups within the tribal communities, which shall, by the purpose of constitution, be demeaned to be scheduled tribes. I welcome this step, and in one of the articles it is clearly said that Tamil Nadu, the Honorable Chief Minister, has really followed up, and Government of India has been very kind. Let me go back a little bit in time, because, sir, what has happened ki jis rajya se main aati hoon, kahi saalon se wahan 3-4 maange ho rahi hai. Ek to Dhangar Samaj ki badi maang hai ki unko tribe mein Dhangar, Maharashtra, Marathi mein Dhangar kehte, North mein usi ko Dhangad kehte. So it is only a pronunciation thing. Dhangar हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं और दिल्ली में धनगढ़ कहते हैं, नॉर्थ में कहते हैं. तो हमारी बहुत सालों से मांग है कि धनगढ़ और धनगढ़ एक ही है, तो इनको इसमें इंक्लूड किया जाए. ये महाराष्ट्र की बहुत दिनों से मांग है. उसी हिसाब से मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, लिंगायत समाज हो, बहुत सारे आरक्षणों में बदलाव की मांग बहुत सालों से हो रही है. मराठा आरक्षण का भी एक बहुत बड़े आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा रहा, धनगर समाज का बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ. और आपको सर याद होगा कि 2013 में जब हमारी सरकार यहाँ भी थी और केंद्र महाराष्ट्र में भी थी, एक बड़ा आंदोलन चला था. और उसके बाद भारतीय जनता पक्ष के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र में, युवा नेता है जो बाद में 14 साल में सीएम बने, उन्होंने कहा था कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में हम धनगर समाज को आरक्षण दे देंगे जो ट्राइब वाला चाहिए. 2014 की बात मैं कह रही हूँ सर. उसके बाद कोई कमीशन बनाया गया, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं. पिछले 6 सालों से ये समाज लड़ रहा है, भले धनगर समाज हो, भले मराठा समाज हो, भले लिंगायत समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सारों की मांग महाराष्ट्र में है. बहुत सारे वहाँ एजिटेशंस होते हैं, मोर्चे होते हैं. तो मेरी केंद्र सरकार से एक ही विनती है कि अगर आप तमिलनाडु के लिए कर सकते हैं तो आप महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं कर रहे. और ये भी आपके 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए, एक उत्तर प्रदेश का है गोंडा के लिए, एक है, तो पीस बाय मील छोटा छोटा एक एक बिल लाते. क्यों नहीं आप ऐसा करते कि आपकी सरकार इतनी बड़ी 303 की, अपनी इतनी बड़ी यहाँ आपका स्ट्रेंथ है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो ऐसा क्या है. और हमारी मांग क्या है कि धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जो आरक्षण मांग रहे हैं, उनके दे दीजिए. और हमको किसी का और का निकाल के इनका नहीं चाहिए. वो मैं स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ कि भले धनगर हो, भले मराठा हो, भले लिंगायत हो, भले मुस्लिम हो, हमको दूसरे का छीन के किसी को आरक्षण नहीं चाहिए. जो है वो आरक्षण वैसा ही रहेगा, इनके लिए अलग से आप करें, ये हमारी बहुत सालों से मांग है. यहाँ भी आपकी सरकार है, अभी राज्य में भी ईडी सरकार आई है, उसमें भी वो युवा नेता अभी डिप्टी सीएम बन गए, तो उनका जो भाषण है मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट, उसके बाद हफ्ते में एक तो कैबिनेट होती है, 5 साल में पता नहीं कितनी कैबिनेट, मेरा तो गणित इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर हफ्ते की आप ही के लिए 200-300 कैबिनेट तो हो चुकी है. अभी तक तो धनगरों का आरक्षण मिला नहीं है, ना मराठा समाज को मिला है, ना लिंगातों को मिला, ना मुसलमानों को मिला. मेरी सिर्फ केंद्र सरकार की विनती है कि ये पीस बाय पीस मील जो आप लाते हैं उस हिसाब से एक व्यापक तरीके से इन सब समाजों की जो मांग है वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बनाइए और आप चर्चा कीजिए. इसी से एक बदलाव अच्छा आ सकता है सर. थैंक यू.